अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम अपनी चिकनों का पिंजरा सेट करेंगे। जो सा हमारा चिकनों वाला पिंजरा था वो हमने कबूतरों को दे दिया, उसमें कबूतर छोड़ दिए हैं, और जो सा कबूतरों वाला था उसमें हमने दिए हैं। आधा पिंजरा हमारा सेट था, हम देखी उधर आप मिट्टी डालेंगे और बाई वाला भी सेट करने वाला है, वेल्ड कराने हैं पाइप सपोर्ट के लिए। भट्टे डाले उसके नीचे, पाइप वेल्ड कराएंगे क्योंकि सपोर्ट है भट्टों को, और उसके लिए वो इंशाल्लाह हम कल को सेट करेंगे। और आज हम पहले मिट्टी डालते हैं, चलें पहले सबसे पहले मिट्टी डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जो हम सेट करेंगे। दोस्तों आज मिट्टी डाल ली अब मैंने, उनके पिंजरे में वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, मैं अकेला ही था, इसलिए आपको सही तरह दिखा नहीं सका। और अब आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह सेटिंग की है। दोस्तों ये अभी सेट करवाना है क्योंकि आगे कबूतर थे, फिलहाल एक कबूतर आएगा वो भी इंशाल्लाह हम इधर छोड़ देंगे जो उनसे पहले चकोरों वाला था, क्योंकि कबूतर काफ़ी मैंने अपने दोस्त को भी दे दिए हैं, सो ऐसे थोड़े कबूतर रह गए थे, और वो एक अंडे भी दिए हुए हैं, और ये हमारे पास कबूतर रह गए, और जो उनसे ये हमने आज़ाद कबूतर छोड़ दिए हैं बिल्कुल ही जैसे मर्जी बाहर फिरते थे। एक ये आए कहीं हो गया हुआ है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो छोड़ेंगे कबूतर। और दोस्तों ये अभी फट्टे इधर वैसे ही पड़े हैं, फट्टे देख सकते हैं आप, खलारा काफ़ी डला हुआ, मैं सफाई कर रहा था। और ये हमने चकोरों के लिए सेट कर ली है मिट्टी डाल के, मैंने बाद में पानी भी लगाया, पानी लगा के मिट्टी बिल्कुल सेट कर दी है। और ये माशाल्लाह हमारी चकोरें काफ़ी खुली फिर रही हैं, बहुत ही खुश हैं। ये हमारे पास मस्कती चकोर है, देसी मस्कती, एक इसमें फार्मी भी आती है लेकिन फार्मी नहीं है हमारे पास, हमने देसी रखी है। दोस्तों अभी हम इनका घोंसला भी इंशाल्लाह चकोरों का तैयार करेंगे। और ये देखें एक ये बैठा बाहर कबूतर, बहुत ही प्यारा कबूतर है, और एक और है वो पता नहीं किधर गया हुआ है। दोस्तों अभी काम करने वाला काफ़ी पड़ा है, सफाई करनी है काफ़ी छत की, देख सकते हैं आप खलारा काफ़ी पड़ा, वो मुर्गियों वाला कहीं है नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, शुक्रिया।